आज हम जानेंगे पाइल्स या बवासीर के सिम्टम्स के बारे में और साथ ही जानेंगे पाइल्स की स्टेजेस के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि लगातार कब्ज बना रहता है तो ऐसा हो सकता है कि उसे शुरुआती स्टेज का पाइल्स हो। तो आज हम जानेंगे कि शुरुआती स्टेज में अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स है तो किस तरह के सिम्टम्स आते हैं और बढ़ते बढ़ते वो सिम्टम किस तरह से बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, ताकि अगर आपको शुरुआती स्टेज में ही लक्षण पता होंगे तो आप उसका रोकथाम कर सकते हैं, उसे अगली स्टेज में पहुंचने से रोक सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए क्योंकि आपको यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स का मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पाइल्स का मतलब क्या होता है। तो आज डायग्राम से समझते हैं कि पाइल्स आखिर है क्या। ये आप देखिए, ये है एनल एरिया यानी कि ये आपके आंत का आखिरी हिस्सा है और ये आपका हिप्स हैं, आपके जो बम हैं वो बम, ये मैंने एक तरह से डायग्राम के फॉर्म में बना दिए। ये आंत का आखिरी हिस्सा है जैसे एनस, और ये इसे बोला जाता है रेक्टम। तो यहाँ होता ये है कि अंदर की साइड कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं यहाँ लाइनिंग के ऊपर, यहाँ अंदर की साइड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आपको लगातार कब्ज रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपका मल सख्त हो जाता है, इतना सख्त कि आपके एनल एरिया से उसको पास होने में दिक्कत आती है। मतलब मल द्वार से जब मल बहुत ज़्यादा सख्त होकर निकलेगा तो क्या होगा, ये जो आसपास के जो टिश्यूज़ हैं और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें आ जाती है सूजन, और ये कुछ इस तरह से सूजन में हो जाते हैं, मतलब उनको सूजन आ जाएगी, वो मोटे मोटे कुछ इस तरह के हो जाएंगे और इस कंडीशन को हम बोलेंगे पाइल्स। जब ये खून की नलियां और ये टिश्यूज़ सूज जाते हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं अंदर आंत के अंदरूनी हिस्से में, अगर वो सूज जाते हैं आपके सख्त मल की वजह से या फिर आपके फ्रेश होने के दौरान जोर लगाने की वजह से, तो ये सूजन आ जाना इन ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ के अंदर, इसे पाइल्स कहा जाता है। धीरे धीरे करके ये जो ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ आपके आंत के आखिरी हिस्से में पहुँचने लगते हैं और ये गंभीर रूप धारण कर लेते हैं जिसे हम पाइल्स कहते हैं। ये बेसिक सी चीज़ है कि अंदर के टिश्यूज़ सूज गए हैं और वो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ मूव करते जा रहे हैं और बाहर आंत का हिस्सा जो है वो बाहर आ चुका है, तो उसे कहा जाता है पाइल्स। अब ये जो स्टेज हमने देखी जिसमें कि नॉर्मली ये टिश्यूज़ सिर्फ स्वॉलन हुए हैं यानी कि सूज गए हैं, इसे कहा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ पाइल्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस पाइल्स चार स्टेजेस का होता है। चार स्टेजेस में बहुत सी ऐसी स्टेजेस हैं शुरुआती जिनको आप बड़ी आसानी से घर पे ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आपको शुरुआती लक्षण पता लग जाएं तो बहुत आसान होता है इनको ट्रीट करना। तो जो फर्स्ट स्टेज हमने देखी जिसमें कि स्वॉलन ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ हो गए हैं यानी कि सूज गए हैं, ये शुरुआती स्टेज है। तो इसमें आपको सिम्टम्स कैसे आएंगे, जब भी आप फ्रेश होने जाएंगे तो फ्रेश होने के साथ साथ आपको ब्लड देखने मिल सकता है यानी कि आपको खून आ सकता है, और उस खून आने के दौरान आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको दर्द हो रहा है कुछ ज़्यादा, आपको थोड़ा सा जलन हो सकती है, आपको अंदर खुजली चल सकती है, लेकिन आपको इस खून आने के दौरान ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ कट लग गया या दर्द हो गया, इस तरह का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको नोटिस हो जाए कि आपके स्टूल में, आपके मल के अंदर खून आ रहा है, तो हो सकता है कि शुरुआती स्टेज का पाइल्स हो। तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए और अपने डाइट प्लान को चेंज करना शुरू कर दीजिए। अभी हम एंड में जानेंगे क्या क्या चेंजेस करने हैं, पहले इसकी स्टेजेस को समझ लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में ये जो स्वॉलन ब्लड वेसल्स हैं अब ये थोड़ी सी आगे की तरफ मूव करेंगी, यानी कि ये आंत का आखिरी हिस्सा है, इस आंत के आखिरी हिस्से में जो ये सूजी हुई खून की नलियाँ और टिश्यूज़ थे, अब ये आंत के आखिरी हिस्से से बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे, यानी कि ये जो मल द्वार है, जो एनस है, उसकी तरफ ये मूव करने लगेंगे ये ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़, और आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। आपको खून आ सकता है, आपको इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा सेकेंड स्टेज में आपको देखने मिलेगा। अब आता है थर्ड स्टेज ऑफ पाइल्स, जिसे समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ पाइल्स। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये आपके बम एरिया है और ये एनल एरिया है। अब इस थर्ड स्टेज में होगा ये जो टिश्यूज़ यहाँ तक आए थे, आधे रास्ते तक, ये पूरी तरह बाहर नहीं आए थे, पूरी तरह एनल एरिया से बाहर नहीं निकले थे, ये बाहर आ जाएंगे। मतलब आप ये देखिए, ये इस तरह से बाहर आने लग जाएंगे, ये इस तरह से, और ये दो मैं डायग्राम के रूप में बना रहा हूँ, लेकिन ये और भी वेसल्स हो सकती हैं, और भी टिश्यूज़ हो सकते हैं जो बाहर आ गए। मतलब ये आंत का आखिरी हिस्सा अब बाहर आ चुका है इस एरिया से,
आपका जो आंत का आखिरी हिस्सा है उससे ये जो पाइल्स हैं, जो पाइल्स कैसे बोल रहे हैं, इन्फ्लेम्ड यानी कि सूजे हुए टिश्यूज और ब्लड वेसल्स को पाइल्स कहा जाता है। तो ये जो टिश्यूज हैं अब ये बाहर आ गए हैं, अब इसे हम बोलेंगे कि आंत का आखिरी हिस्से में आपको पाइल्स हो गया है और ये थर्ड स्टेज का पाइल्स है, जिसमें कि क्या होता है कि अगर जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो इस तरह से ये ब्लड वेसल्स बाहर निकल जाएंगे और आपको एक्चुअली फील होगा, जब आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको एक्चुअली फील होगा कि ये बाहर आ चुके हैं। लेकिन थर्ड स्टेज की एक बात ये है कि ये पाइल्स अंदर डाले जा सकते हैं, यानी कि आप हाथ से पुश करके इनको अंदर डाल सकते हैं। तो ये मतलब आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा, वैसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस दौरान भी, आपको ब्लीडिंग हो सकती है या बाहर के एरिया में आपको सूजन आ सकती है, इन्फ्लेम्ड मतलब रेड रेड ये एरिया हो सकता है और आपको जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, पर ये पाइल्स जब अंदर चला जाएगा तो ये सारी दिक्कतें खत्म होने लगती हैं। दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ पाइल्स, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत देखने नहीं मिलती। लेकिन जो फोर्थ स्टेज है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो पाइल्स हैं जो बाहर आ चुका है, अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आ चुका है, मतलब इधर से भी ये ब्लड वेसल्स बाहर आ चुकी हैं, यहाँ अंदर से भी बाहर आ चुकी हैं, टोटली एक तरह से ये एरिया बाहर का इस तरह का बन चुका है, ये इस तरह से जो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं एक साथ ये बाहर आ चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से टिश्यूज़ बाहर आ जाते हैं और टिश्यूज़ और ये ब्लड वेसल्स बाहर आ जाएंगे, यानी कि पाइल्स पूरी तरह बाहर आ चुका है। ये आँत का आखिरी हिस्सा था, ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये था मलद्वार, यहाँ पर स्फिंक्टर था, ये मतलब जो वॉल्व होता है जिससे आप रोक के रखते हैं फ्रेश होने के दौरान, वो वॉल्व के बाहर ये आ चुका है। और फोर्थ स्टेज में होता यह है कि ये अंदर नहीं जाता, यानी कि फोर्थ स्टेज ऐसा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है कि पाइल्स जो हैं आपके अंदर नहीं जाएंगे, आप बैठेंगे तो ये बहुत दर्द होगा, इसमें खून आएगा, सूजन आएगी, स्वेलिंग होगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्रिएट होगी। तो शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग आती है, थोड़ी सी इचिंग होती है, तो उस दौरान समझ जाइए कि आपको इंटरनल पाइल्स हैं। ये जो शुरुआती दो स्टेजेस मैंने आपको बताई इसे कहा जाता है इंटरनल पाइल्स, क्यों? क्योंकि आंत के आखिरी हिस्से के अंदर हैं, अंदर वाले साइड में है, इसे इंटरनल पाइल्स बोला जाता है। इसे एक्सटर्नल पाइल्स बोला जाता है बिकॉज ये बाहर निकल चुके हैं, एक्सटर्नल बाहर की तरफ आ चुके हैं, तो इसे एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। जो इंटरनल पाइल्स हैं उनका आप बहुत अच्छे ढंग से इलाज कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही हुई है, अभी अंदर ही हैं, आपको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं होंगी। अगर आपने अपने कुछ डाइटरी चेंजेस कर लिए, यहाँ तक कि आप थर्ड स्टेज में भी अगर डाइटरी चेंजेस कर लेते हैं तो ये अंदर चला जाएगा पार्ट, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। करना ये है कि आपको अपने मल को सख्त से सॉफ्ट बनाना है। सॉफ्ट कैसे बनाएंगे? सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ बहुत गिनती की चीज़ें बताऊँगा, वो चीज़ें कर लीजिए। अनाज में मिक्स ग्रेन की मतलब मिक्स आटा जो होता है उसकी रोटी खाना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएगी, बहुत अच्छा पचता है, और मोटा आटा थोड़ा सा खाइए। इसके अलावा खाना खाने से पहले एक नियम बना लीजिए कि आधा पेट जो आपका है वो कच्ची फल सब्जियों से भरना है, पीने के लिए गर्म पानी को पीना है और खाने को धीरे धीरे करके चबा चबा करके खाना है, और खाने के बाद जस्ट तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, लगभग एक घंटा डेढ़ घंटे बाद पानी पीना है। तो ये अगर आप इतना सा भी कर लेंगे आपकी ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार, कब्ज़ या फिर बवासीर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। वैसे हमने पाइल्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें कि पूरा ट्रीटमेंट समझाया है, एक नहीं और भी वीडियोज़ हैं पाइल्स और फिस्टुला फिशर इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियोज़ हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। तो ये चार स्टेजेस हैं, आप शुरुआती तीन स्टेजेस का इलाज बड़ी आसानी से इन डाइट प्लान से फॉलो करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, उसमें ट्रीटमेंट अच्छे से बताया है। लेकिन फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि पाइल्स बाहर आ चुका है, अब वो अंदर तो जा नहीं रहा है, तो डाइट प्लान तो फॉलो कर लेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अंदर नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से इसका सर्जिकल रिमूवल किया जाता है या फिर रबर बैंड ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर लेज़र से इसको रिमूव किया जाता है, मतलब आजकल बहुत कम पेनफुल वाले तरीके आ चुके हैं उनसे इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसका किसी भी तरह से होम रेमेडी से इलाज नहीं किया जा सकता। फोर्थ स्टेज में अगर पाइल्स आपको है कि बाहर आ गया है अंदर नहीं जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसका
इसका आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी कि आखिर पाइल्स क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कब्ज है तो ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको पाइल्स हो सकता है शुरुआती स्टेज का, तो ज़रूर ध्यान रखिए और इन जो तरीके मैंने आपको बताया कि जिस तरह के डाइटरी चेंजेस हैं उनको फॉलो कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि ये पाइल्स के बारे में जागरूकता फैला सके। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।